वेलकम टू माय चैनल गर्भ गीता। न्यू ईयर अभी जस्ट शुरू ही होने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही न्यू ईयर शुरू हो जाता है वैसे खुद के लिए कुछ ना कुछ टारगेट या गोल्स रखते हैं। लेकिन कभी हम सोचते हैं क्या अपने बच्चों के लिए भी हम कुछ टारगेट प्लान कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों के लिए कैसे गोल सेट करने हैं, उनकी ज़रूरत क्या है और कौन से एरिया में उनके लिए गोल हम लोग सेट कर सकते हैं। सो वी ऑल नो 2020 वॉज वेरी हार्ड ईयर फॉर ऑल ऑफ अस, कि जिसमें हम लोगों ने मतलब बाकी सब चीज़ें छोड़ के बेसिक जीना सीख रहे थे इस साल में हम लोग। तो ये मेरा 2020 का प्लान था फॉर माई किड्स, जो मैंने बाकी मैं जो व्हाट्सअप ग्रुप है पेरेंटिंग के उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ये वीडियो लास्ट ईयर शेयर किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पैनडेमिक एंड लॉकडाउन आई वॉज नॉट एबल टू फिनिश हाफ ऑफ ऑल्सो फ्रॉम दिस गोल्स। सो वॉट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड ऑल दिस गोल जो भी कम्प्लीट नहीं हुए हैं और ये साल में मैं कंटिन्यू करूँगी। सो इन टूडेज वीडियो आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट हाउ टू सेट द गोल फॉर योर किड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेटिंग द गोल फॉर योर किड्स? सी, अगर हम लोग ऐसे डिसाइड करें कि हाँ बच्चे जितना स्कूल में सीख रहे हैं उतना इनफ है, तो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट कभी नहीं होगी। एज अ पेरेंट वी नीड टू गिव अ कॉन्शियस एफर्ट्स इन देयर लर्निंग। लर्निंग कोई भी हो, नॉट ओनली एजुकेशनल, जो भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा करिकुलम में भी आती है उनके ऊपर भी एज अ पेरेंट हम लोगों को बहुत सारा अपना एफर्ट देना होगा। सो कभी भी गोल अगर हम लोग सेट करें बच्चों के लिए तो क्या हो जाता है, हम लोग उसके ऊपर एफर्ट लेना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जैसे ही हेवायर करते रहेंगे कि ओके ये सीख रहा है बच्चा, वो सीख रहा है, तो कभी भी उसमें उसके अंदर भी डेवलप नहीं होगा कॉन्फिडेंस कि एक ही चीज़ कॉन्फिडेंटली कैसे करें। इसके लिए गोल सेट करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ अभी हम लोग देखेंगे कि गोल सेट करने हैं तो कौन से एरियाज है स्पेसिफिक। सो आई विल सजेस्ट 5 एरियाज। फर्स्ट इज अ सोशल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड लास्ट वन इज देयर हॉबी। उनको जो पसंद है वो चीज़ में उनको डेवलप इंटरेस्ट और डेवलप करना। सो ये पांचों टॉपिक पे ऊपर आपको क्या करना है, हर एक टारगेट रखना है एंड यू कैन डिवाइड इन अ शॉर्ट टर्म गोल एज वेल एज लॉन्ग टर्म गोल। जो शॉर्ट टर्म गोल है वो आप 2 महीने या 3 महीने जो सिंपल टास्क है उसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और जो भी लॉन्ग टर्म गोल है वहाँ पे आप कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए टाइम लगता है सीखने के लिए वो आप लॉन्ग टर्म गोल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर के मेरे जो गोल्स थे उसमें लर्निंग अ संस्कृत लैंग्वेज, सो दिस विल गो अंडर अ लॉन्ग टर्म गोल कि इसे टाइम लगेगा सीखने के लिए, कि मतलब 1 साल 2 साल, दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस। वेर एज लर्निंग अ साइकिलिंग विदाउट सपोर्ट, दैट वॉज अ शॉर्ट टर्म गोल विच आई हैव अचीव लास्ट ईयर फॉर माई डॉटर। तो ये डिफरेंस है शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल में। ओके, सो देर आर वेरियस टॉपिक विच यू कैन इंक्लूड इन योर गोल, और मैं सजेस्ट करूंगी पेरेंट्स को कि प्लीज डू नॉट इंक्लूड टॉपिक्स विच आर देयर इन योर एकेडमिक्स। मतलब अगर छोटे बच्चे हैं 2-3 साल के और उनके पेरेंट्स को अगर मैं सजेस्ट करती हूँ गोल सेट करना, तो उनका सबसे पहला गोल आएगा ABCD सिखाना, 1 2 3 4 सिखाना। सो प्लीज थिंक बियॉन्ड दैट। ABCD 1 2 3 4 बच्चा सीखने ही वाला है स्कूल में जाके, सो थिंक बियॉन्ड दैट। मैंने लास्ट ईयर कश्यप के शॉर्ट टर्म गोल में डाला था लर्निंग द आइडेंटिफाइंग द लीफ ऑफ द मेजर, जो अपने प्लांट्स रहते हैं उनके लीफ कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, लीफ से प्लांट कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये गोल मैंने लिया था। सो दिस इज समथिंग विच वी कनेक्ट अवर किड्स टू द नेचर। तो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए और अपने बच्चों के लिए जो आप नेचर से कनेक्ट कर सके आप बच्चों को, वैसे गोल डिसाइड कीजिए एंड आप खुद को ही टाइमलाइन दीजिए लाइक 2 मंथ 3 मंथ्स, और देन रिव्यू योर गोल चार्ट आफ्टर पीरियोडिकली 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ्स लाइक दैट, सो दैट यू विल कम टू नो कि अगर आप कहाँ पीछे रह रहे हैं, कहाँ पे आपको कौन से एरिया में एफर्ट ज़्यादा डालना है। और ये ऐसे आपको चार्ट बना के यू नीड टू पुट इट ऑन द योर रेफ्रिजरेटर और योर और कबर्ड्स पे लगाने हैं कि जिसकी वजह से आप कंटिन्यूस वो देख पाते। और अगर आपके बच्चे 4 साल के ऊपर है या 5 साल के ऊपर है, सो प्लीज इंक्लूड योर किड्स इन दिस एक्टिविटी। अगर वो खुद से ये एक्टिविटी करेंगे कि उनको टारगेटेड पता है कि ओके ये साल में मुझे ये चीज़ें सीखनी है, सो दे विल लव टू डू दैट और वो खुद इंटरेस्ट लेके इसमें आपके साथ बढ़ेंगे।
So hope this video is knowledgeable for you, and I will happy if you share your goal charts with me on my personal WhatsApp number, which is there in the description box. And we are running a parenting group, free parenting group, जिसके अंदर हम लोग activities करते जाते हैं. So if you want to get added in that parenting group, तो जो भी WhatsApp number है उसके ऊपर आप message भेज दीजिए. Thank you.